नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कि ज्योमेट्री में हम लोग किसी भी वस्तु का, या फिर कहें तो विभिन्न प्रकार के आकृति और आकार वाली वस्तु के डायमेंशन, एंगल्स, उसके एरिया, पेरीमीटर के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक ट्रायंगल है, ए बी सी, यह एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में मान लेते हैं कि साइड ए बी का वैल्यू 4 cm दिया हुआ है, साइड बी सी का वैल्यू 5 cm दिया हुआ है और 5 AC का वैल्यू 6 cm दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल्स का अगर हमें पेरीमीटर कहेगा निकालने के लिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, तीनों साइड्स के वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे, यानी पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसी तरह से अगर इस ट्रायंगल्स का एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमें कहेगा निकालने के लिए, तो हम हेरोंस के फॉर्मूला से बड़े ही आसानी से इसका एरिया को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात है कि हमें यहाँ पे साइड्स का वैल्यू ए बी बी सी सी ए का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वैल्यू हमें सिंपली नहीं दिया रहेगा। इसके बदले हमें जो ये तीन वर्टेक्स है ए बी सी, या तीन सीड्स है ए बी सी, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों, तो कोऑर्डिनेट बेसिकली होता है कि किसी तल में किसी बिंदु का लोकेशन ज्ञात करने का यह एक तरीका है, जिसके लिए हमें दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ज़रूरत होती है। आइए हम इसे ग्राफ पेपर की मदद से समझते हैं दोस्तों। तो ग्राफ पेपर पे बचपन में आप लोगों ने संख्या रेखा निरूपण के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों। सपोज कीजिए कि यह एक नंबर लाइन है, और इस लाइन का अगर हम मानते हैं कि यह एक पॉइंट ओ है, जिसको हम जीरो से शुरू करेंगे, तो ओ पॉइंट से अगर हम राइट में चलते हैं, जिसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, उसके तरफ अगर हम नंबर को ड्रॉ करते हैं, तो जीरो से ये पॉजिटिव धनात्मक की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इसी तरह से ये हो जाएंगे 3, 4, 5 और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से इस पॉइंट ओ से अगर हम जब बाएँ चलते हैं, तो क्या हो जाएगा नंबर्स, -1, -2, -3 इत्यादि, जो कि निगेटिव साइड चलते जाएंगे, और हम इसे निगेटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो यह एक्स एक्सिस है, यह एक हॉरिजेंटल लाइन है, यानी कि ये एक क्षैतिज रेखा है, लेटी हुई रेखा है। इसी तरह से हम एक वर्टिकल रेखा ड्रॉ करते हैं, जो कि ये पॉइंट ओ से पास करती हुई जाए, जिसे हम वाई एक्सिस के नाम से जानेंगे। तो सपोज कीजिए कि यह एक वर्टिकल लाइन है, जो कि पॉइंट ओ से पास कर रहा है। अब मान लेते हैं कि यह ओ जो है, ये वाई एक्सिस का भी मिडल पॉइंट है, जिससे हम ऊपर और नीचे संख्या को डिनोट करेंगे। तो अगर हम इस ओ से ऊपर संख्या को डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, +1, 2, 3 इत्यादि आगे, जिसे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहेंगे। और अगर ओ पॉइंट से अगर नीचे की तरफ हम जाते हैं, तो हो जाएगा -1, -2, -3 इत्यादि, जिसे हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहेंगे। अब हम अगर उस प्लेन में कोई पॉइंट पी मानते हैं, तो हम देखेंगे कि उस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब कि उस पॉइंट पी पर एक्स का कितना वैल्यू होगा और वाई का कितना वैल्यू होगा। तो इसके लिए हम पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब को ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, वो लंब जो सी पॉइंट पे टच करता है एक्स एक्सिस को, वहाँ पे वह एक्सिस के 1 वैल्यू को टच करता है, यानी कि वहाँ पी पॉइंट के लिए एक्स का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। और उसी तरह से वाई की वैल्यू को जानने के लिए हम पी पॉइंट से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि ए पे टच करता है, जहाँ वाई का वैल्यू 2 है। तो पॉइंट पी के लिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि पॉइंट पी पर एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू
टू है, यही वन और टू जो है दोस्तों वो पी का कोऑर्डिनेट कहलाता है, यानी कि एक्स इक्वल टू वन और पी इक्वल टू टू इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एक्स का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वन, वो एक्स के वैल्यू को हम लोग एप्सिसा के रूप में भी जानते हैं, इसको हम एप्सिसा बोलते हैं, जिसको हिंदी में भुज भी बोलते हैं, और वाई के वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसको हम कोटि भी बोलते हैं हिंदी में। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जान सकते हैं। तो क्या हम पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट जान सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पॉइंट ओ पे एक्स का और वाई का दोनों वैल्यू जीरो और जीरो है, इसीलिए पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट जीरो और जीरो होगा, जिसे हम मूल बिंदु या ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं। अब हम उसी प्लेन में एक और पॉइंट क्यू मानते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 4, 1 है। तो क्या हम दोस्तों पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पी और क्यू के बीच का हम डिस्टेंस ज्ञात करते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो उसी तरह से क्यू से कोई परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, जो कि एक्स एक्सिस के डी पे टच करता है, जहाँ एक्स का वैल्यू 4 है, और क्यू से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि वाई को बी पॉइंट पे टच करता है, जहाँ पे वाई का वैल्यू 1 है। साथ ही दोस्तों यह जो परपेंडिकुलर है वो पी सी के टी पॉइंट पे टच करता है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि पी टी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया तो पी और क्यू को निकालने के लिए हमें पी टी और टी क्यू का वैल्यू को जानना होगा, तभी हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पी क्यू के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ फिगर में क्लियरली दिख रहा है दोस्तों कि जो यहाँ पी टी का वैल्यू होगा वो ए बी के वैल्यू के बराबर होगा, और ए बी का वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ए माइनस ए बी, दैट मीन्स 2 - 1 इक्वल्स टू 1, यानी पी टी का वैल्यू हो गया 1। उसी तरह से क्यू टी का वैल्यू अगर हम जानेंगे दोस्तों तो क्यू टी का वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी के वैल्यू के बराबर, और सी डी का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों ओ डी माइनस ओ सी, दैट मीन्स 4 - 1 इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास दोस्तों पी टी का वैल्यू 1 आ गया है और क्यू टी का वैल्यू 3 आ गया है। तो हम अब अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं ट्रायंगल पी टी सी में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू पी टी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस क्यू टी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 9 = 10। तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू हो गया √10। अब चूँकि दोस्तों हर बार हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम एक जनरल फॉर्मूला का ड्राइव करते हैं, जिससे कि हम दो पॉइंटों के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं, जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं दोस्त। तो मान लीजिए पी का कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और क्यू का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब हमें पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो सेम उसी तरह से हम पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे जैसा हम पहले निकाला था। तो इसके लिए हमें पी टी और टी क्यू का वैल्यू की ज़रूरत होगी दोस्तों। तो यहाँ से हम अगर पी टी का वैल्यू निकालेंगे तो पी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, y2 - y1, और टी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, x2 - x1। नाउ इन ट्राइंगल पी टी क्यू, तो पी टी क्यू में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। अब पी टी का वैल्यू आपको पता है y2 - y1, और टी क्यू का वैल्यू पता है आपको x2 - x1। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को हम पुट करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर
प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, जो कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू है, दैट इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब यहाँ से दोस्तों आप किसी भी दिए गए दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं, जिसे डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यहाँ दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इस डिस्टेंस फार्मूला में आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर की जगह पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 की जगह पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कि आप d इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का वैल्यू जो आएगा होल स्क्वायर वो सेम ही आएगा। इसीलिए इस फॉर्म में भी हम इस डिस्टेंस फार्मूला को लिख सकते हैं दोस्तों। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों सिंपली कि डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट और डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर को करके हम आपस में जोड़ देते हैं और उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो हमें दिए गए दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम आसानी से निकाल सकते हैं, बड़े ही जल्दी से एग्जामिनेशन में निकाल सकते हैं। अब अगर हमें कोई पॉइंट पी एक्स वाई दिया है, सपोज़ कीजिए ये पी एक्स वाई कोई पॉइंट दिया गया है और इसको ओरिजिन से यानी कि पॉइंट ओ से जीरो जीरो से अगर हमें डिस्टेंस निकालने को कह रहा है, तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे? तो चूंकि यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें मालूम है जीरो जीरो, तो एक्स वन और वाई वन की जगह पे हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला में जीरो और जीरो पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, यानी कि ओरिजिन से किसी पॉइंट की बीच की दूरी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए दो पॉइंट के बीच की दूरी को डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। अब आपके बुक में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको आप बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को दूर करने का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक बाय बाय दोस्तों।